हमारा इतिहास रोचक बना हमारे देश की महानायकों की गौरव गाथा के वजह से ही। आज हम उन्हीं में से एक महानायक की कहानी देखने जा रहे हैं। वो है चक्रवर्ती सम्राट देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक, यानी देवों के प्रिय प्रियदर्शी अशोक। मगर उनके सम्राट बनने का सफर अपमानों, मुश्किलों, कांटों से भरा और खून से लटपट था। ये कहानी जानने के लिए चलते हैं वर्तमान के सीढ़ियों से उतरकर उस सुनहरे अतीत में, जहां वो क्रूर चंडाशोक से चक्रवर्ती अशोक सम्राट बने। ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब अशोक का जन्म भी नहीं हुआ था और भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। सम्राट बनेगा। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य था मगध। इसी धरती ने भारत को अपना पहला सम्राट दिया, वो था चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार की अनेक पत्नियों में से ही थी शुभ्रांगी। शुभ्रांगी ने एक बेटे को जन्म दिया और नाम रखा अशोक। मगर अशोक की त्वचा कोमल न होकर खुरदुरी थी और देखने में भी बहुत कुरूप था, इसलिए बिंदुसार ने अपने ही बेटे को कुरूप मानकर ठुकरा दिया था। अशोक धीरे धीरे बड़े होते गए। अवहेलना, तिरस्कारों से भरा था उनका बचपन। उनकी कुरूप सूरत को देखकर सब उन्हें चिढ़ाते थे, उनसे नफरत करते थे। यहाँ तक के उनके पिता भी उनसे कुछ खास प्यार नहीं करते थे। भाई भाई में दुश्मनी थी, खासकर बिंदुसार के बड़े पुत्र सुषीम के साथ उनका बिल्कुल बनता नहीं था। अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने के लिए बिंदुसार ने राधागुप्त को बुलावा भेजा। राधागुप्त, मैं सोच रहा हूँ, मेरी उम्र हो रही है, मुझे अभी अपना युवराज चुन लेना चाहिए। शुभ शुभ होने महाराज, अभी भी आपको अपना साम्राज्य बहुत दिनों तक संभालना है। फिर भी राधागुप्त, तुम्हें एक ऐलान जारी करो कि राजवन में एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहता है और वहाँ पर मेरे सभी पुत्रों को हिस्सा लेना आवश्यक है। जी महाराज।
राजवन में युद्ध की तैयारी बड़ी जोरों शोरों में थी। सभी बेटे अपना युद्ध शैली प्रदर्शित कर रहे थे। अशोक ने भी हिस्सा लिया। देखो देखो कौन आया, हमारे अनुज पधारे हैं, स्वागत करो इनका। रास्ता छोड़ो, हम नहीं तुम हमारा रास्ता छोड़ो। चाहे जितना भी कोशिश करना है कर लो अनुज, मगर राजा तो हम ही बनेंगे। वो तो वक्त ही बताएगा। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। राजकुमार सुशील आप आगे आइए। प्रणाम गुरुदेव। राजकुमार आप सामने वो पेड़ का तना देख रहे हैं ना? जी गुरुदेव।